हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला ने यमुना पुल में छलांग लगाई, इसके बाद मछुआरों ने महिला की जान बचाई। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुल से कूदी है जो कि बीच पुल में खड़ी थी, काफी देर से खड़े थे। दो लड़कियां थे, एक औरत एक लड़की। फिर आपने किस अचानक से कूद गई वो। हम लोग वहाँ पे थे मेन रोड पे, हमने देखा, हम वहाँ से आए। किसी को सूचना दी आपने? जी, पुलिस वाले बैठे थे, उनको बताया। और आपको बता दें कि यहाँ पर इस महिला ने छलांग लगा दी, आत्महत्या के करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने और मछुआरों ने इसे बचा लिया। पुलिस महिला को अस्पताल लेकर गई है जहाँ उसका उपचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि आखिर महिला क्यों उस पुल पर पहुंची और आत्महत्या की कोशिश क्यों कर रही थी। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ गए हैं, सद्दाम हुसैन। सद्दाम, आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से ये महिला आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी? दीपक जी, आपको बता दूं कि ये जो पूरी घटना है सदर कोतवाली क्षेत्र के मुख्यालय से सटे यमुना पुल की है। यहाँ एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते यमुना पुल से नदी में छलांग लगा ली है। जैसे ही महिला ने नदी में छलांग लगाई, वहां बैठे लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस व गोताखोर की जो टीम है उनने आनन-फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन किया शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद उस महिला को सुरक्षित निकाल लिया है। उसको तुरंत अस्पताल में भी भर्ती कराया। महिला की हालत जो है वो अब सामान्य बताई जा रही है। दीपक जी, बता दूं कि महिला जिसने छलांग लगाई है उसका नाम निशा यादव बताया जा रहा है, जो थाना व कस्बा घाटमपुर जनपद कानपुर की निवासी है। यह महिला अपने फुफेरी बहन के साथ अपने ग्राम महेवा थाना कबरई जनपद महोवा मायके जो इसका मायका है वहां जा रही थी। जब मीडिया कर्मियों ने व पुलिस वालों ने इनसे नदी में कूदने का कारण पूछा तो इनका जवाब कुछ अटपटा देखा। महिला का कहना था कि उसने हाई पावर की दवा यूज की थी, इस वजह से उनको चक्कर आ गया था और वह नदी में गिर गई थी। और जबकि वहां मौजूद लोगों ने साफ तौर पर देखा था कि महिला काफी देर से पुल में खड़ी थी और थोड़ी देर बाद कूदी है, तो महिला झूठ क्यों बोल रही है उसका कारण अभी कुछ पता नहीं चल पाया। दीपक जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सद्दाम। और आपको बता दें कि ये महिला अज्ञात कारणों से इसमें छलांग लगाई है नदी में, और हालांकि इसे बचा लिया गया, लेकिन अब तक इसने स्पष्ट नहीं किया है कि किस वजह से इसने ये कोशिश की है। हालांकि अभी महिला स्वस्थ बताई जा रही है।